हेलो विनीश है, विनीश चैम्बर के एक और न्यू वीडियो में आपको जी का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है, चलिए छोड़िए, आज का टॉपिक आज खुद ही गेस करेंगे। तो आज का एक्चुअल में टॉपिक नहीं है, आज एक्चुअल में डाउट है। डाउट क्या है? वैसे इस वीडियो से पहले हमने आपका जो फोटोसिंथेसिस है उसका हमने डीप लुक स्टडी किया था, दैट इज व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है। तो स्टेप बाय स्टेप हमने उसकी पांच प्रोसेस एक के बाद एक डिस्कस करी थी। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम एक बार एक डाउट से स्टार्ट करेंगे। और डाउट क्या है? जैसे इससे पहले हमने न्यूट्रिशन स्टडी किया था ह्यूमंस में, तो न्यूट्रिशन जो हमने स्टडी किया था उसमें, जैसे जब न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन का मतलब डाइजेशन हो गया, डाइजेशन का मतलब सारा का सारा जो खाना था वो आपकी मतलब पच गया, डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट कहाँ होता है? मेन जो साइट होती है डाइजेशन की वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ज्यादातर जो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो चुका है। आफ्टर दैट डाइजेशन के बाद क्या होता है, दैट इज सारा का सारा खाना जो है वो छोटे छोटे मतलब बहुत ही सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है। जो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, सिंपल फूड का मतलब वो फॉर्म फूड की जिससे हम डायरेक्टली एनर्जी ले सकते हैं, तो उस फूड में उसमें कन्वर्ट हो चुका है इन शॉर्ट। फिर उसके बाद ये इंटेस्टाइन में आता है, इंटेस्टाइन के अंदर फाइनली विलायज में आता है। विलायज से तो ये सारा का सारा जो खाना है वो सारा का सारा खाना जो है वो विलाय में पड़ा हुआ है, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये सारा का सारा जो खाना है ये फूड है, ठीक है। इन शॉर्ट फूड है, सिंपल फूड है, बट ये फूड है। और फूड चाहिए किसे? फूड हमारी बॉडी के हर एक सेल को चाहिए। तो फूड पड़ा हुआ है इंटेस्टाइन में, आप स्मॉल इंटेस्टाइन बोल लीजिए, फूड पड़ा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में और चाहिए हमारी बॉडी के हर एक सेल तक। तो ये बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचेगा कैसे? क्या ऐसी कोई चीज है जो बॉडी के हर एक सेल तक जाती हो जिसमें वो फूड लोड कर दूं, जैसे किसी मालगाड़ी में लोड करते हैं और वो अपने आप पूरी बॉडी के सेल तक पहुंच जाए? ऐसा कोई भी चीज, थोड़ा सोचिए, ऐसी कोई चीज जिसमें मैं फूड को डाल दूं तो अपने आप बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच जाए? तो सोचिए आराम से, एंड आराम से सोचिए, आराम से सोचिए। तो जो आप जो आंसर आपके सामने आएगा वो आएगा ब्लड। यस, ब्लड इज द ओनली थिंग जो जिसमें अगर आप किसी भी चीज को लोड कर देते हैं तो बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो हम ये सारा का सारा जो फूड है वो हम ब्लड में लोड कर देंगे एंड ब्लड से धीरे धीरे करके ये सारा का सारा खाना जो है वो सेल में पहुंच जाएगा। बट ये जब आप ब्लड में लोड करेंगे फूड को, यानी फूड का ब्लड में जाना और ब्लड से बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचना, ये भी तो अपने आप में एक प्रोसेस है ना। फूड का ब्लड में जाना और ब्लड से हर एक पार्ट तक पहुंचना, हर एक सेल तक पहुंचना, ये भी अपने आप में एक प्रोसेस है। और इसी प्रोसेस को आज की वीडियो में और आगे के कुछ लेक्चर्स में हम स्टडी करेंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है, दैट इज ब्लड से बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचने चीजों का, और उसके बाद सेल से ब्लड में सब कुछ पहुंच के अलग अलग पार्ट में, जो पूरा पूरा ये जो रहता है, इस पूरी प्रोसेस को हम जो बोलते हैं, हम बोलते हैं इसे ट्रांसपोर्टेशन, या फिर आपने इसे पहले भी पढ़ा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से। कुछ भी बोल लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन बोल लीजिए, सर्कुलेटरी सिस्टम बोल लीजिए, बात एक ही है। तो ये आप ऑलरेडी प्रोसेस थोड़ी बहुत पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं, हम इस टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ट्रांसपोर्टेशन या फिर सर्कुलेशन क्या होता है। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, जैसे दिल्ली जल बोर्ड है, दिल्ली जल बोर्ड, जैसे हमारे जो दिल्ली, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड ही पानी सप्लाई करता है। आपके यहाँ जहाँ पर भी होंगे आप वहाँ का नाजिल कर लीजिए। तो कोई भी जो जल बोर्ड होता है उसे पानी सप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? पहली चीज पानी, खुद पानी ऑब्वियसली सप्लाई क्या करेगा अदरवाइज। सेकंड थिंग अगर मैं बोलूँ, सेकंड थिंग क्या सप्लाई करेगा, दैट इज पाइप। सप्लाई करने के लिए पाइप तो चाहिए ना। इसके अलावा थर्ड थिंग कि पानी ऐसा तो है नहीं पाइप में एक जगह वो भर देगा और दूसरी जगह अपने आप निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे एक जगह पर ऐसे पाइप में वो पानी भर देगा, पानी भरता जाएगा एंड देन लगभग 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर अपने आप ये पानी जो है वो अपने आप ही निकलता रहेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। तो होगा क्या, दैट इज एक पानी के पीछे एक प्रेशर बनाना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा पानी को ताकि वो आगे 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 बढ़ता जाए। और ये जो धक्का देने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, मोटर। और यही मोटर चाहिए होती है हमें घर में भी पानी को नीचे से टंकी ऊपर चढ़ाने के लिए। तो सेम चीज, यानी हमें तीन चीजें चाहिए होती है, दिल्ली जल बोर्ड को तीन चीजें यूज करनी पड़ती है पानी का सप्लाई करने के लिए। पहली चीज होती है पानी खुद, दूसरा मतलब पाइपलाइन, और तीसरी मोटर। सेम चीज हमारे बॉडी में भी पानी की, सॉरी हमारी बॉडी में सर्कुलेशन करने के लिए तीन चीजें चाहिए होती है। वहां पर पानी चाहिए होता है, यहाँ पर पानी की जगह कमी पूरी करता है ब्लड। वहां पर पाइप चाहिए होती है, यहाँ पर होती है हमारी नसें कह लीजिए, ब्लड वेजल्स कह लीजिए, ठीक है, कोई भी।
एंड वहां पर चाहिए होता है मोटर, यहाँ पर अपनी इनबिल्ड एकदम मोटर है बहुत अच्छी सी, दैट इज हार्ट। तो ये तीन चीजें आपको चाहिए होती है हम वहाँ पर, मतलब नॉर्मली सर्कुलेशन में। वहाँ पर चाहिए होता पानी, यहाँ होता ब्लड, वहाँ पर चाहिए होता है पाइपलाइन, यहाँ चाहिए होती, यहाँ होती है ब्लड वेसल्स, और वहाँ चाहिए होती है मोटर, यहाँ होता है हार्ट। तो ये तीन चीजें जो होती हैं वो सर्कुलेशन में होती है। हम वन बाय वन एक एक को डीप स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम ब्लड की। तो पहले हम एक एक करके ब्लड के कॉम्पोनेंट वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे। अभी के लिए हमने सर्कुलेशन समझ लिया। सर्कुलेशन क्या होता है? बॉडी के एक पार्ट से, मतलब इन शॉर्ट सर्कुलेट करना, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट करना बॉडी के हर चीज को, बॉडी के हर दूसरी नीड की सोर्स से लेकर सिंक में देना, जो ब्लड के द्वारा होता है, इसे हम सर्कुलेशन बोलते हैं। आगे की वीडियोज में हम देखेंगे दैट इज ब्लड की, ब्लड कैसे काम करता है, हार्ट कैसे काम करता है, और पाइप कैसे काम करते हैं, ब्लड वेसल्स कैसे काम करते हैं। आशा है वीडियो आपको समझ में आई होगी।